أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم سيره النبي और अब तक हमने उसके एट्टी पोर्शन कर लिए हैं और आज हम एटी फर्स्ट पार्ट करेंगे इनशाला हम कर रहे थे बनी अलमुस्तलक या मुरैसी एक्सपडिशन का वाक़ और उसमें हमने पूरा वाक़ कर लिया और आपको बताया कि इस वाक़े के बाद तीन इंसिडेंट्स हिस्टोरिकली ऐसे पेश आए जिनके बारे में हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और हमें इसकी इसकी समझ होनी चाहिए जिनमें से मैंने दो वाक़ आपको सुना दी ऑलरेडी तो एक तो जुवेरिया रदी अला का इंटायर वाक़ था दूसरा आपको लास्ट वीक बताया था वाक़ ऑफकोर्स इस लड़ाई का था जो आपको मैंने कहा कि सल्लम को Obviously, बहुत नाराज हुए कि दो गिरोह बन गए और पानी के लिए दो यंग लड़कों ने कुछ आपस में कह दिया तो पूरे ट्राइब खड़ा हो गया और नबी नबीरम को ये बात पसंद नहीं आई और उनको कहा कि बस चलो और फिर बीस घंटे तक ये लोग सवारी करते रहे और वो कारावान चल पड़ा और जाकर जब बिल्कुल उनको लगा कि अब बस मदीना नजदीक ही रह गया है तब नबीर ने कहा कि अब यहाँ पे रेस्ट कर लो तो सबने वहां पे फिर कैंप किया जस्ट आउटसाइड मदीना दे 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 बिकॉज न्यू स्लीप वेक अप एंड देन मॉर्निंग इट टेक्स अ फ्यू आवर्स जर्नी लेफ्ट सो कैन कवर इट और मैंने आपको ये भी बताया कि इट वॉज अ रूल टू इन्फॉर्म द पीपल एट होम जब ये कार लौटता था जब आदमी अपने घरों में जाने वाले होते थे तो एक कासिद जाता था जो जाके बताता था ताकि बीवियां और घर वाले रेडी हो जाएं, स्पेशली वाइफ्स To receive their husbands. और इस दो वाक मैंने आपको बनी अल मुस्तल के बाद के बता दिए थे अब वहां से हम चलते हैं तो आई है मैंने आपको बताया कि जो नबीम ऑब्वियसली बहुत नाराज थे और उन्होंने जरा भी मौका किसी को नहीं दिया बोलने का या एक्सप्लेन करने का किसने क्या कहा था किससे झगड़ा शुरू हुआ किसका कसूर है कुछ नहीं कहा ये जाहिल जाहिलियत पे तुम लोग फिर आ गए हो बांधो अपना सब सामान और चल पड़ो तो अब वहां से हम लेते हैं क्यू दैट्स वाई आई एम मैंशनिंग दिस बिकॉज हमारी क्यू यहाँ से हमें मिलेगी कि बीस घंटे सब चले सब बहुत थके हुए थे और जाते ही सब सो गए कैंप डालकर ठीक है तीसरा वाकया जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी वाकया है ये हमारा आज का मौजू भी होगा uh, और हो सकता है दो हिस्सों में हो ये मौजू एक दफ़ा में नहीं कंप्लीट हो सकेगा इट इज अबाउट इफ़क ठीक है द स्लैंडर ऑफ आयशा रदी अलाना सो दिस इज द टॉपिक टुडे एंड दिस इज व्हाट टू प्लेस एंड हाउ एंड व्हाट हैपेंड द एंटायर स्टोरी इन डिटेल हम इसको इस पर तबसरा करेंगे अब बात यह है कि आपको ये सबसे पहले बताना जरूरी है कि दिस इज द मोस्ट ट्रामेटिक इंसिडेंट ऑफ द सीरा बिकॉज इट इज डीलिंग विद नबी वसल्लम्'स पर्सनल अफेयर्स एक निजी मामला था ये उनके घर का मामला था उनकी बीवी इन्वॉल्व थी इसमें ठीक है टू इन्वॉल्व द नबीज वाइफ एंड दट एवर द स्लैंड took प्लेस एंड द जो भी कुछ हुआ जो आप अब सुनेंगे और सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगी तो बस इस इसमें ये ये सब हुआ ही इस तरह ये ट्रोमेटिक इसलिए बना क्योंकि मुनाफिकीन अपनी हद से गिर गए जब बंदा किसी के ऊपर इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाए वो ठीक है लेकिन जब वो उस पर कैरेक्टर पे तोहमत लगाता है ना तोहमत देखा नहीं आंखों से सुनी सुनाई बात है या अपनी तरफ से गड़ ली वाली बात है तो उससे ज्यादा घिनावना गुना कोई नहीं और उससे ज्यादा घिनावना गिरना कोई नहीं ठीक है तो अब वहां से हम It's, it's one of the most traumatic incidents and it's one of the most sensitive matters to be discussed. So I will try my best to keep the sensitivity of this entire story and narrate to you as much as what's given in black and white so that. आई कैन प्रूव दैट दिस विस इज हाउ इन दिस इज हाउ इज हाउ सो एंड सोस्पॉ ठ ठ ठ ठ ठी है मगर एहतियात के साथ वी अप्रोच दिस सब्जेक्ट और अल्लाह सुबहाना तला तोफीक दे कि इसको हम सही तरीके से समझें और इसमें से सही सबक हासिल करें और इसको सही तरीके से एबजॉर्ब करें तो इन शह आज स्टार्ट यानी द स्लेंडर ऑफ आयशा या जो आयशा रदी अलहा पर इल्जाम लगाया गया था तोहमत या बहतान रादा लगाई गई थी और उसका किस्सा हम शुरू करते हैं ये किस्सा इसी से क्यों लेके हम शुरू करेंगे इन शो तो रबी सदरी व यसली अमरी वाहतों में लसानी यफ कौली ओके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आ, अच्छा ये किस्सा आयशा रदी की ज़ुबानी बुखारी में मिलता है तो मैंने उधर से सारा किस्सा उनकी ज़ुबानी में लिया है जैसे उन्होंने बताया है कि क्या हुआ था तो हालात वो ख़ुद बताती हैं कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक्सपेडिशन कोई कारवान कोई भी इस तरह के यू you नो know, कोई उनका ट्रैवल रूट बनता था या उनका कुछ कोई भी इस तरह का जब प्लान बनता था तो वो उसमें पर्चियां निकालते थे ठीक है जैसे हम लोग नहीं करते कि हम चिट्ठी निकालते हैं कि किसका नाम आया वो करेगा किसका नाम है उसको गिफ्ट मिलेगा या उसको कमेटी मिलेगी समथिंग लाइक दैट तो वो लॉट्स निकालते थे अब नबी सर सलम तो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लॉट्स कैसे निकालते थे वो तिनकियों पे ना नाम बता देते थे कि ये इसका 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 है फिर वो सारे तिनकों को यूं रख के फिर सबको कहते थे कि एक एक निकालो और जिसका तिनका उन्होंने चुना होता था वो एक छोटा होता था सारे तिनको में यानी ही न्यू वो मेरे साथ जाएगा लेकिन ऊपर से वो नहीं नजर आता था कि कौन सा तिनका छोटा है तो वो यूं रख के बोलते थे कि एक एक तिनका तुम सब बीवियां उठा लो तो सब एक एक उठा लेती थी तो जिसका वो आता था बारी आती थी वो उनके साथ जाती थी जैसे मैंने आपको सुनाया था यही बात कि हुद़ैबिया में भी सल्लम ने जब लॉट्स निकाला था तो सलमा उनके साथ गई थी अब जब उन्होंने ये लॉट निकाला तो आयशा रदी के हाथ लगा और वो उनके साथ इस एक्सपेडिशन पे गई एक और बात क्लियर कर दूँ कि रसूल अपनी बीवियों को अपने हर एक्सपेडिशन में नहीं ले जाते थे ठीक है अगर आप ये सोचे कि बाकी एक्सपेक्टेशन में तो जिक्र नहीं है इनका बदर में तो जिक्र नहीं था तो और आपको पता है कि मुश्रक जब आए थे तो वो अपनी सब बीवियों को नाचने वालियों को भी लेकर आए थे वो तो बहुत अच, अच्छे से आए थे ठीक है ना तो अब ये ख्याल जाएगा आपको कि नबी वसल्लम ने बाकी जो एक्सपेक्टेशन थे या बाकी चीजों में क्यों वो लेके नहीं गए इस वजह से क्योंकि रसूल रिस्की जगहों में अपनी बीवी को नहीं ले जाते थे क्यों खुतिन को ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ पे रिस्क इन्वाल्व हो कि कोई खतरे में पड़ जाए और औरतों को फिर कैप्टिव बना के कहीं जाना पड़ जाए या औरतों को भी कोई तकलीफ हो खुदा ना करे तो ऑब्वियसली ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दफ़ हिस फैमिली तो वो उन औरतों को सिर्फ उन एक्सपडिशन पे ले जाते या उन मौकों पर ले जाते जब उनको ये तसल्ली होती के कोई हरज नहीं होगा कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जिसमें खुतिन को कोई तकलीफ से सामना करना पड़े बेजती गुलामी इस तरह की कोई चीज़ करना पड़े तो हदेबिया का मामला कैसा था क्यों ले गए थे उन सलमा को क्योंकि वो तो उम्र पे जा रहे थे ये तो और बात हुई कि मक्का वालों ने उम्र करने से रोक दिया और अपने इनवॉइस भेजे कि भाई आप सुलह समझौता करने तो कर हुदैबिया टुक प्लेस उन्होंने उनको उमरा पे आने नहीं दिया तो वो तो उम्र के लिए निकले थे तो ओम सलमा उनके साथ थी अभी जिस बनी मुस्तलिक की तरफ वो गए थे मुरैसी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि उन्होंने अपने खुफिया तरीके से ये इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी कि बनी अल मुस्तलिक सरप्राइज हमला करने वाले हम उन पर सरप्राइज हमला कर देंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनकी कोई तैयारी होगी कि वो हमसे लड़ सके तो लड़ाई नहीं होगी कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा क्योंकि दे विल बी अंडर सो इन दैट केस ही टुक आयशा विद हिम ये सब क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल पैदा हो सकते हैं कि व्हाई वाज ही सो सेलेक्टिव अबाउट टेकिंगेक इन अदर प्लेसेस और अदर बैटल फॉर बनीलिक लड़ाई नहीं हुई थी और उनको इसका यकीन था कि वो जिस वक्त जाकर वहां पे यू you नो know, अपना धावा बोलेंगे बनी अल मुस्तलिक ऐसे ही सरेंडर करने वाली विदाउट फाइट और ऐसे ही हुआ था ठीक है ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छा तो अन rasulullah was absolutely sure of the safety of his family he would not take his family with him, keep that in mind okay now ab this Aisha went Kisadgai. Or this was um, this is before the verses of Hijab this uh, end of 4th Hijrah end of 4th वर्सिज ऑफ हिजाब किंग एंड दिस वॉज द लास्ट ऑफ दब से पहला जो आया था कमांडमेंट इट वॉज अबाउट जका ठीक है उसके बाद स्लोली स्लोली आया ना सब फिर आई थिंक सोम फिर नबी सर सलम जब गए महराज पे तो नमाज मिली उसके बाद ये दिस वाज वन ऑफ द लास्ट वंस वन ऑफ द नहीं बल्कि द लास्ट वन सो दिस वाज अबाउट हिजाब अब आपको मैं ये क्यों सुना रही हूं कि ये यू नो फोर्थ हिजरा दुल्कदा में जाकर ये हिजाब के वर्सेस आए जबकि ये वन ऑफ द लास्ट कमांडमेंट वर्सेस थे बताने का मकसद ये है कभी कभी हम लोगों के ऊपर बहुत सख्त हो जाते हम समझते हैं और बहुत सारे uh, आले माएँ जो हैं वो भी ऐसे करती हैं फर्स्ट थिंग डंडी मारती हैं हिजाब पर जबकि फर्स्ट इज इज़ा क्यों लास्ट में रखा है हिजाब इसलिए कि इट्स अ कल्चर वेर यू ग्रो अप इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड यू नो गेट इन टू द फोल्ड और हर चीज की हर दिन की प्रायोरिटीज होती हैं हमारे दिन के पांच उसूल हैं ना तोहीद सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह मानना के अल्लाह के सिवा कोई नहीं ये तो तोहहीद हो गया उसके बाद हम जब तोहीद की बात करते हैं कि भाई शिरक नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्लियर कर लो बात को तोहहीद को अच्छी तरह दिल में बिठा लो उसके बाद क्या क्या है हमारा यू नो सलाह सोम जका हज हिजाब नहीं आता ना इसमें क्योंकि हिजाब की आयतें लास्ट में आई इट इज इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बट इन द लाइन ऑफ इंपॉर्टेंस ये ना हो जो आजकल कभी कभी मैं देखती हूँ कि होता है कि लोगों ने हिजाब तो ले लिया है लेकिन एक्चुअली हिजाब नहीं हो रहा और हिजाब लेके उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं आप ठीक है तो ऐसा ना हो कि आप हिजाब समझ ही ना आए तो पहले अल्लाह का अल्लाह का प्यार दिल में बिठाओ, फिर आपको हिजाब भी समझ आ जाएगा आपको खुद ब खुद आपके अंदर दिल में हिजाब आ जाएगा तो खुद ब खुद ऊपर से हिजाब आएगा ठीक है तो इसलिए किसी और मैंने देखा है जो आलमाएं इस तरह से रूल करती हैं अपने स्टूडेंट्स को और उनको सबसे पहले डंडी मार के कहती हैं कि पहले आप हिजाब ले लो तो जैसे ही वो उन आलिमा से कभी फारिग होती हैं या कभी उनका दिल फिरता है तो सबसे पहले हिजाब उतरता है दे विल स्टिल डू एवरी थिंग एक्स बट हिजाब सब सबसे पहले उतरता है जबरदस्ती कराया गया था ठीक है इस्लाम में जबरदस्ती है ही नहीं अगर है तो माँ बाप के लिए है अपने बच्चों पे करना वो और बात है लेकिन मैं आप पे या आप मुझ पे नहीं कर सकते आप मुझे बता दें मैं क्या गलत कर रही हूं और मुझे खुद फैसला करने दें मुझे आप फोर्स नहीं कर सकते इसी तरह मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि आपके ये करने से क्या होगा और वो करने से क्या होगा और आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी और कहाँ से आपकी हेल्प चली जाएगी लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती आपको बांध नहीं सकती ठीक है और ना ही मुझे आप पर ताने किसने करने चाहिए ना आपके ऊपर बातें बनानी चाहिए जस्ट बिकॉज यू डोंट वेयर हिजाब ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है बिकॉज इज गॉट देर ओन जर्नी एंड लेट देम रीच जर्नी द टाइम कम्स वी नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कम्स अंडर ओबीडियंस ऑफ अल्लाह तो वेन योर हार्ट इज सेटल्ड विद सेटल के अल्लाह ही है और कोई नहीं तो उबे तो करना पड़ेगा ना अल्लाह को तो फिर ओबीडियंस में आना पड़ेगा ना फिर अल्लाह क्या चाह रहा है अपने को कवर करो तो कवर करो वो खुद से दिल में पहले अपने आप को समझा लो कितना प्यार है आपको अल्लाह से ठीक है और कितनी जरूरत है आपको अल्लाह की क्योंकि अल्लाह को नहीं है आपकी जरूरत आप पहनो ना पहनो आप भटको निकल जाओ तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि आना है तो मुकम्मल तौर पे इस्लाम में आ जाओ वरना निकल जाओ He doesn't need you. तो, so you कि जैसे नींद ठीक है तो एक्सप्लेनिंग दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड कि वाई हिजाब आया द लास्ट कम एज अ कमान फ्रॉम अल्लाह सुबहना अच्छा तो अब वो बताती हैं आयशा बैक टू स्टोरी अब आयशा बताती हैं के um, मैं दुबली पतली थी छोटी सी थी और हम रोज रोज नहीं खाना खाते थे और जाहिर है जब खाना मिलता था खा लेते थे और इस वजह से मैं बहुत हल्की पुल्की और दुबली पतली थी और हम दो दो तीन तीन दिन तक टॉयलेट भी नहीं जाते थे क्योंकि जब खाते नहीं थे तो टॉयलेट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और टॉयलेट्स तो थे नहीं दे वुड गो फार टू रिलीव दम सेल्व इन द डेजर्ट ठीक है फिर वो कहती हैं हम एक हौदज में बैठकर अब हौदज क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको हिजाब जो बता रही थी वाई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस हिजाब पार्ट सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हिजाब हिजाब यू नो शर्मो हया को भी कहते हैं क्योंकि आई रिमेम्बर हियरिंग दिस वर्ड फ्रॉम माय फादर कि मुझे फ़लाँ से हिजाब है मुझे फला से हिजाब है माय फादर वाज वेरी शाई पर्सन एंड ही वुड से मैं बहुत मेरी पोपी से बहुत हिजाब करता हूँ So when I came to Dubai and I heard hijab means a scarf, I got very confused. Because I used to think, Abba -chan to hijab kyun karte and he would say, bahut hijab wala hai. actually, he was using the word hijab for haya and modesty. Actually, hijab is haya and modesty. What he said was right, what I understood was wrong. Hai? Hijab is not a scarf. कोलोक्वियली यहाँ पे और बाकी जगहों में हम जैसे लोगों ने स्काफ को हिजाब बता दिया है पर दिस इज नॉट हिजाब ठीक है ये स्काफ है ठीक है इट्स अ हेड कवरिंग बट इट्स नॉट हिजाब हिजाब कहते हैं एक कर्टन एक वेल को एक, एक एक अपने आप को ढांकने को अपनी हया को मॉडस्टी को हिजाब कहते हैं ठीक है तो वो कहती हैं कि मैं हिजाब में थी तो शी वाज नॉट वेयरिंग अ स्कार्फ शी वाज इन हिजाब मींस शी वाज इन कवर एंड शी हैड टू सिट इन अ हौदज इट वाज लाइक अ कैनोपी छोटी सी वो यूं करके बनी हुई होती थी जो उन उस उनको कवर करती थी एंड इट वाज केप्ट ओवर द कैमल उसको नीचे ऐसे दो लकड़ियों से उतार के नीचे रख देते थे फिर वो उसमें या उतर जाती थी या बैठ जाती थी फिर चार बंदे उनको उतार के वापस उठाकर उसको के ऊपर रख देते थे तो वो हउदज था जिसमें वो बैठती थी ठीक like है? Okay. <clears throat> तो नबी के जमाने में जब हिजाब का जिक्र है, तो समथिंग एक्स्ट्रा एंड देर सराउंड हिजाब इज समथिंग दैट लाइक अ कर्टन लाइक अ वेल सराउंडिंग सब अपने आप को हिजाब जो हम कहते हैं स्काफ को हिजाब अरबिक really, uh, uh, माने जो हैं फिकल करटन को हिजाब कहते हैं कि मैं इससे हिजाब करता हूँ मैं इसे शर्म करता हूँ या मैं इसे हया करता हूँ या मैं इसे uh, अपना गेज नीचे रखता हूँ इसको हिजाब कहते हैं ठीक है टू पुट द गेज डाउन और करटन तो उस जमाने में जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के साथ लोग मिलते और बात करते थे आफ्टर द आय ऑफ हिजाब

जो मॉडर्न थिंकर्स हैं और जो इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर दिया कि एक्चुअली ये हिजाब ये हिजाब इज ओनली फॉर द वाइफ ऑफ द प्रोफेसर सलम क्योंकि हमने स्काफ को हिजाब बोल दिया एक्चुअली कर्टन की बात हुई थी वो हिजाब क्या आप शर्म और हया और कर्टन रखें बीच में बिटवीन द वाइफ ऑफ द प्रोफिट एंड दर्स तो दिस पर्टिकुलर रूल हिजाब का जो रूल था ऑफ होल्डिंग अ कर्टन बिटवीन द वाइफ ऑफ द प्रोफेसर सलम एंड अदर मेन वाज़ ओनली फॉर हिज वाइफ इट वॉज इनफोर्स ओनली फॉर हिज वाइफ ठीक है स्कार्फ को एक्चुअली अरबिक में कहते हैं खिमार ये खिमार है इसलिए कि जो ये ऐसा वाला स्काफ होता है ना जो हम पहनते हैं कभी कभी और वो उस तरह का स्काफ योम जहालिया में भी सब पहनते थे जो इज्जतदार महसिनत औरतें थीं, वो भी स्काफ पहनती थी अगर आप पुरानी मूवीज देखेंगे या पुरानी पिक्चर्स देखेंगे हिस्टोरिकल में उसमें आपको दिखेगा कि इवन चर्च में जा रही हैं औरतें तो उन्होंने सर में हेड कवर पहना हुआ है स्काफ पहना हुआ है चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखती इवन द मुशर वेमेन यूज टू वेयर अ स्काफ बिकॉज वर ऑफ यू नो वेल्दी बिजनेस क्लास और वट एवर तो जो भी अफ्लुएंट फैमिलीज थी उनमें वो लोग स्काफ पहना करते थे टू शो दैट दे आर ऑफ अ स्टैंडर्ड जो यू नो फार्मर्स की बच्ची बच्चियां थी या या जो लॉन्ड्रिया थी या जो काम करने वालियां थी वो बगैर स्काफ के घूमती थी एंड दैट वॉज द आइडेंटिफिकेशन के जो स्काफ में है वो यू नो स्टैंडर्ड वाले हैं और जो स्काफ में नहीं है वो वर्कर क्लास है पेजेंट्स है तो आप समझ गए कौन लोग थे जो बगैर हिजाब के घूमते थे या बगैर खिमार के घूमते थे वो जिनका यू you नो know, कोई स्टेटस नहीं था जो स्टेटस वाले थे वो सब हेड कवर पहना करते थे उस हेड कवर को स्काफ कहते हैं इंग्लिश में और अरेबिक में उसको इसको खिमार कहते हैं ठीक है अच्छा

मुशरक लेडीज क्रिश्चन लेडीज जू लेडीज एवरीबडी लेकिन जब अल्लाह सुबहाना तयात भेजी तो उसमें एक तो हिजाब का जिक्र हुआ कि रसूल सरम की बीवियों को खास तौर से कोई बगैर हिजाब के ना देखे यानी बगैर कर्टन के ना देखे और बात ना करे उस वक्त से इन लोगों ने वो हउदज बना लिया कि जो बीवी जाएगी वो हउदज में बैठ कर जाएगी तो वो हौदज में बैठ जाती थी और चार बंदे आके उसको उठाकर ऊंट पर रख दिया करते थे तो वो उसको देख नहीं सकते थे ना उसकी कोई ढकी हुई होती थी तो इस तरह से हउदज वॉज इंट्रोड्यूसडल ओपन कैमल बैक बिकॉज दिस इज अट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर नबीज वाइफ एंड जिलबाब एंड रूलिंग एंड कमांडमेंट दैट केम इन सूर एहजाब जिसमें अल्लाह सुबहाना ने द वर्ड जिलबाब यूज किया विच मींस आउटर गारमेंट ओवर वॉट यू वेर ठीक है तो आपने जो कुछ भी पहना हुआ है उसके ऊपर आपने एक आउटर गारमेंट पहनना है दिस इज वन और खिमार जो आपको ऐसा हो जो आपके बॉजम्स भी कवर करे तो नो मोर दैट स्काफ बट यू शुड वेयर समथिंग दैट विल इधर यू वेयर योर जिलबाब इन सच अ दैट इट कवर्स योर बॉजम

आफ्टर देशन मैंने आपको क्या कहा क्या हुआ था नबी से नाराज हो गए थे ये दो लोगों से जिन्होंने ये फितना क्रिएट किया और फिर ये सब झगड़ा हो रहा था तो नबीरम ने उनसे कहा बस बांधो सब कुछ एंड लेट्स गो ठीक है अब ये सब निकले और अब चल पड़े बीस घंटे कंटिन्यूसली जब ये लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, थक गए सब जब नबीर सलम ने फरमाया कि अब मदीना नजदीक है यहाँ पे हॉल्ट करते हैं रेस्ट करते हैं और कल सुबह को हम मदीना चले जाएंगे फ्यू आवर्स रीच मदीना तो 20 घंटे के बाद सब जाहरे कैंप किया था और मैंने आपको क्या बताया था सब इतने थक गए थे इतने चूर हो गए थे कि सब सो गए इमीजिएटली सब सो गए अब अब हुआ ये कि आयशा अपनी जुबानी जब बताती हैं तो शीज़ न तो उनकी ज़ुबानी में बता रही हूँ वो रिवायत कर रही हैं कहती हैं कि मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि सब सो रहे हैं और हकीकत में सब बहुत थक गए होंगे क्योंकि मुझे पता है हमारी सवारी बहुत देर तक घंटों तक चलती रही ठीक है मुझे हाजत हुई मुझे रिलीफ करने जाना था तो मैं अपने हदजद से निकली मैंने देखा सब सो रहे हैं तो मैं खामोशी से निकल कर चली गई उस तरफ जहां हम ज़रा दूर चली गई जहां हम अप मैं रिलीव कर सकूं और कोई ना देख सके और सब सो रहे थे कहती कि मैं गई दूर वहां जाके मैंने रिलीव किया अपने आप को और उसके बाद जब मैं उठी ठीक है रिलीव करके जब मैं उठकर चलने लगी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा मेरे गले में मेरा एक हार था जो नहीं है अब ये हार किस चीज का था ए, का शेल्स का ऑयस्टर के जो और ऑनिक्स उसका उसका था और ऑनिक्स तो पत्थर है आपको पता है संगे मरमर जैसा पत्थर है ऑनिक्स और उसके साथ कुछ ए, इस तरह के कुछ लगे हुए थे तो इट वाज इमिटेशन समथिंग कॉस्ट्यूम काइंड ऑफ ज्वेलरी इट ठीक है उन्होंने कहा कि मैंने अचानक नोट किया महसूस किया कि मेरे गले में वो हार नहीं रहा ठीक है तो अब वो रियलाइजिंग नेकलेस इज मिसिंग कैरी में वापस ट्रैक बैक किया देखिए हम यही करते हैं ना कि कहीं कहाँ गिरा होगा वापस चलते हैं वहां तक जहां हम गए थे वहां तो नहीं गिर गया आसपास में तो कहीं नहीं गिर गया तो यू ट्रैक बैक योर फीट एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ गिरा के हम आए चीज तो आप वापस वही जाते हैं जहां से आप आए तो कहती है मैं ट्रैक बैक करके गई वहां पर और मुझे ढूंढते ढूंढते मैं दूर तक चली गई ढूंढते ढूंढते इधर तो नहीं गिरा देखिए जब आप ढूंढ रहे हैं ना एक तो आप स्लो जाएंगे आप एकदम और उन्होंने कहा भी था वो दूर गई थी रिलीफ करने क्योंकि सारे इतने बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आई है कोई और भी रिलीव करने ना उठे और कहीं आ जाए तो वो जरा दूर निकल गई थी तो अब वो उतना दूर वापस गई ट्रैक बैक करके और पूरा रास्ता वो ढूंढती 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 बहुत दूर निकल गई और उन्होंने कहा मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा कि कितना वक्त हो गया है और मैं ढूंढती ही रही ढूंढती रही और यही और मुझे वो हार नहीं मिला अब आप सोचेंगे कि उस हार में ऐसा क्या था यू you नो know, मेरे भी जहन में ये ख्याल आया था तो इसलिए आपके लिए भी उसका जवाब भी ले आई हूँ शी अ वेरी सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर नेकलेस बिकॉज दिस वॉज अ गिफ्ट ऑफ रसूल सो इट मैं रसूल सलम ने मुझे ये गिफ्ट दिया था फिर उसकी वैल्यू ये थी कि वो उनका गिफ्ट था एंड इट इट है

फजर पढ़ के अब हम निकल जाएंगे ताकि दिन दिन में आराम से हम अपने अपने घरों में पहुंच जाए अब वो लोग भी बहुत थके हुए थे सारे जितने भी उनके साथ चले थे लोग वो भी बहुत थके हुए थे आपको पता है क्या क्या हुआ है अब तक तो काफी थक गई है ना सारी आर्मी उनकी तो वो भी सारे थके हुए थे वो भी सब जल्दी में अपने घर जाना चाह रहे थे क्योंकि एंड ईगर टू रीच होम एंड रेस्ट इन हिज ओन यू you नो know, बिस्तर तो अब वो भी जल्दी में थे तो उन जब सर्थ सर्थ ने कहा तैयारी करो चलो हाउदज डालो कैमिल पर एंड लेट्स तो उन्होंने जब हाउदज उठाया तो उनको नहीं पता चला कि हाउदज जो था वो हल्का था या उसमें वजन नहीं था या उसमें ये खातून नहीं थी रियलाइज़ वो कहती है मैं इतनी हल्की-फुल्की थी कि दे कुड नॉट रियलाइज whether i am inaudige or i am not inaudige इतनी मैं हल्की-फुल्की थी anyway अ तो वो खुद ही बताती हैं कि एक तो मैं बहुत यंग थी छोटी थी दुबली पतली थी वो अपना सारा कुछ बताती हैं ठीक है थीके? और फिर कहती हैं कि हम कम खाते थे और इस वजह से हम लोग का वजन नहीं बढ़ता था ब्लाग ब्लाग। कि ये सारी स्टोरी मैं पहले ही बता बता चुकी फिर बता रही हूं कि दिस इज द रीजन उन्हें नहीं पता चला ये में खातून है या नहीं है उन्होंने हौदज उठाया वो भी थके हुए थे बेचारे वो भी पूरे इतने चले हुए फिर सोकर उठे थे ईगर टू गो होम उन्होंने हउदज उठाया उठाकर कैमल पे रख दिया और एक्सपेडिशन के सारे लोग चल पड़े ये लोग सब जाकर मदीना के एकदम आउटस्कट्स पे पहुंच गए जस्ट आउटसाइड मदीना पहुंच गए ठीक है ये जब आई वापस ट्रैक बैक करती हुई करती हुई जब ये वापस आई तो इन्होंने देखा कोई भी नहीं है सब जा चुके अब ये परेशान हुई लेकिन यंग थी लेकिन आ, क्लेवर थी इन्होंने सोचा अगर वो लोग चले गए हैं तो वो मुझे जब पता लगाएंगे जब उन्हें पता चलेगा हाउदज खुलेगा और जब उन्हें पता चलेगा कि आयशा नहीं है हाउदज में तो वो मुझे लेने वापस यहीं आएंगे तो मैं बेहतर है यहीं रुकूं जहां वो मुझे छोड़कर गए ताकि जब वो मुझे लेने आए तो मैं उनको यहीं मिलूं और वो वहां पे रुक गई एक दरख्त था उसके नीचे वो बैठी रही इंतजार में कि कोई ना कोई तो आएगा वापस मुझे ढूंढता हुआ ठीक है और वो जब आएगा वापस तो मुझे ढूंढ ही लेगा और बैठे 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 वो इंतजार करते करते दरख्त नीचे आप ये सोचे ना वो भी थकी हुई है और वो अभी इतनी घंटों पता नहीं कितने घंटे वो अपना हार ढूंढती रही है तो अब वो जब आके बैठी तो उनकी आंख लग गई और वो सो गई जब वो सो गई तो अब एक बंदा था जो इनकी तरह ज्यादा सो गया था कहीं जब रसूल ने सब एक्सपेडेशन को कहा था कि सो जाए तो वो सो गया था और वो जरा पीछे रह गया था ठीक है तो वो फॉलो करता हुआ आ रहा था वो पीछे रह गया था और आ, वो सो गया और वो कुछ एक्स्ट्रा सो गया उसको नहीं पता चला कि नबी नबीसलम ने एक्सपेडिशन को कहा कि मदीना पहुंच जाओ तो उसने क्या किया कि जब वो उसकी आंख खुली उसने कहा कि आई मस्ट लीव तो वो निकल के आया क्योंकि ही इज अ मैन He does not have any problem to reach टू but he overslept. तो जब ये वापस आ रहा था तो इसने देखा दरख्त के नीचे कोई सो रहा है, और उसने जब करीब जाके देखा तो इसने आयशा अनहा को पहचाना कि ये उम्मिल मोमिन आयशा अनहा है और इसलिए पहचाना क्योंकि हिजाब की आयात से पहले इस हिजाब करने से पहले ये बंदा अफकोर्स आयशा को जानता था और देख चुका था क्योंकि जब हिजाब की आए थे नहीं आई थी तो लोगों ने इनको देखा हुआ है ठीक है तो जिन्होंने देखा हुआ है वो उनको पहचानते और इस शख्स का नाम था सफवान बिन मुअत्तल ठीक है सफवान बिन मुअत्तल सफवान ने जब देखा पहचाना ये तो वसल्लम की वाइफ है और ये यहाँ अकेली लेटी है ट कु उतरी होंगी हौदत से और उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि ये वापस हउदत जाइएड और क्या कर सकती है अकेली खातून कैसे यहाँ पे बैठी हो सकती है एंड शीज ए यंग गर्ल रिमेम्बर तो ये रह गई है पीछे क्योंकि ये उतरी होगी हौदत से और उन्हें खबर नहीं पड़ी और वो लोग चले गए और ये अकेली रह गई है उन्होंने और कुछ नहीं बोला उन्हें देखकर घबरा गए सफवान बिन मोहत्तल और जोर से कहा लाला उनकी वो आवाज सुन के आयशा चौंक के उठी किसी आदमी की आवाज आई है आयशा बताती हैं कि सफवान ने जैसे ही लाहौल बिल्लाम कहा उसकी इस से मैं उठ गई और जब मैं उठी तो मैंने देखा सफवान बिल मतल ने अपने कैमल को बिठा दिया मेरे आगे

क्योंकि मेरे पास कोई हिजाब ना था और हिजाब की आयतें आ चुकी थीं तो मैंने अपने आप को अपने दुपट्टे से कवर कर लिया और सफवान को देखा तो उसने पीठ फेर कर कैमल मेरे आगे बिठा दिया और बिस बिल्ला के उसने मुझसे एक लफ्ज बात नहीं की ठीक है हम और आपके आज के जमाने में पूरे स्टोरी निकल जाती पूरी स्टोरी पूछ लेता वो बंदा कि बताओ कि हुआ क्या था कैसे रह गई फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ ये अदब आदाब है कल्चरल ठीक है और ये नबी सर सलम की वाइफ थी तो ही डिड नॉट वांट टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन विदाउट हर हिजाब सो ही मेड हर सिट एंड अब वो बैठ जब गई तो बताती हैं कि जब मैं बैठ गई ऊँट पर तो उन्होंने महसूस किया कि मैं बैठ गई होंगी क्योंकि पैरों से देखा होगा कि वो बैठ चुकी हैं उन्होंने रस्सी उठाई ऊँट उठ को उठाया और आगे आगे चलते रहे और वहां से लेकर मदीने तक वो चलते रहे और मैं ऊँट पे बैठी रही ठीक है बिकॉज ही हैज नो अदर ऑप्शन वो खुद उनके साथ ऊँट पे बैठ नहीं सकते शी इज विदाउट हिजाब वो उनको चला के खुद नहीं बैठ सकते देर वॉज नो अदर ऑप्शन he had to reach this lady to the town without any confusion and safwan bil muattal ne yahi kiya theek hai and when he uh, took his camel to go to madina uh, he was walking quietly he did not speak okay and um uh, इधर से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ छोटे छोटे फिक रूल्स बीच बीच में बताती जाऊंगी आपको कि उस जमाने में जब लोग एस्टोनिश्ड हो जाते थे ना या अचानक कोई चीज सरप्राइजिंग मिलती थी ना किसी भी बात पर बहुत सरप्राइज हो जाते थे ना तो वो कभी भी वाह नहीं कहते थे सुबह अलहमदुल्ल अकबर बिल्ला इस तरह के फ्रेजेस बोला करते थे और इसी तरह के फ्रेजेस बोलने चाहिए भी ये एक बात हो गई दूसरी बात ये कि जब हम एस्टोनिश होते हैं किसी नेगेटिव चीज के लिए तो आजकल लोग कस वर्ड्स यूज करते हैं यू नो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू नो अस्तफर बट एफ वर्ड यूज करेंगे और कोई भी उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करेंगे कि ओ डैश ऑफ और वट instead we can always say la hawla wa la quwwata illa billah actually i must say and this is important for me to say because you know sometimes saying this increases hasanat that my father mere walid sahab से मैं बचपन से सिर्फ ये एक phrase है जो सुनती आई थी and I used to think ये उनका pet जुमला है हर चीज पर लाहौल पढ़ते हर चीज पे लाहौल हैं कुछ हाथ से गिर जाए तो लाहौल पड़ते हैं अगर हम कोई गलती करें तो लाहौल पड़ते हैं कोई और कुछ गलती करे तो लाहौल पड़ते हैं खुद से कुछ हो जाए तो भी लाहौल ये है क्या इसने मजबूर किया था मुझे पता करने के लिए कि आखिर ये जुमला है क्या डज माई फादर से दिस फॉर एवरी कोई उनसे अगर चीज मिस हो गई ही मुझसे लाहौल बिल्ला गाड़ी चलाते चलातेस्ट दैट इज वट वीकन एंड इट कम्स आउट ऑफ असो दे एंड अब तक हम हंसते हैं कि भजन होते तो अभी लाहौल पढ़ रहे होते एवरी थिंग ही वुड से इट सो ना आयशा जब नरेट कर रही है तो वो कसम खाती हैं और कहती हैं वल्ला ने मुझसे लाहा कोत बिल्ला के अलावा एक लफ्स बात नहीं की बहुत खामोशी से हमने वो पूरा रास्ता उस पॉइंट से लेकर मदीने की बॉर्डर तक कवर किया विदाउट अ वर्ड विदाउट अ साउंड ठीक है एंड um, अब जब ये लोग यहां से निकले तो दे विद द ग्रुप अब इंटरेस्टिंग अब पार्ट शुरू होगा या डिफिकल्ट पार्ट शुरू होगा या बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट द स्टोरी हाउ इट डेवलप्ड अब जब ये लोग चल रहे हैं आपको पता है मैंने बताया आपको कि वो लोग चल पड़े नबी सलम कैसा हुआ होगा आप सोचिए कैसा हुआ होगा जो सबसे ज्यादा ओबीडियन बच्चे होते हैं ना वो पहले आगे आगे चलते हैं अपने माँ बाप के पीछे पीछे चल रहे होते हैं आगे आगे यानी पहले ओबीए करते हैं रसोल्ला सेम जब उनसे कहा बांधो सब कुछ लपेटो सब कुछ और निकलो सब निकले अब जब सब निकलते हैं और पहुंचते हैं उस बॉर्डर पर जहां पे उन्होंने कहा कि अब हम एंटर होंगे मदीना दिस इज आफ्टर स्लीपिंग एंड गेटिंग अप ठीक है तो आगे आगे कौन चले नबी स सलाम उनके साथी सहाबा और पीछे पीछे स्लो स्लो कौन जा रहे थे अब्दुल्ला बिन उबै और उनकी फौज न मनाफकिन ठीक है दे वर ट्रेलिंग बिहाइंड एंड दे वर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स मदीना लेकिन अब हुआ क्या कि सफवान बिन मौतल और आयशा रضي अल्लाह अनुهما बी इस ग्रुप तक पहुंच गए किसी तरह इस ग्रुप तक पहुंच गए ठीक है अब जब वो उनके साथ पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा ये कौन डिलेड कंपनी आ रही है ओ हो सफवान बिन मोतल है ऊंट चला रहा है और देखो ऊपर कौन बैठा है नबी की बीवी आयशा बैठी है ये अकेले कहाँ थे ये कहाँ से आ रहे हैं और ये बाकी रात कहाँ थे क्योंकि हम तो सुबह चले हैं इसका मतलब ये रात से गुम थे क्या माजरा है एंड ही स्टार्टेड फैब्रिकेटिंग एंड विस्परिंग एंड गॉसिपिंग बट हु स्टार्टेड इट अब्दुल्ला बिन उबई हु डिड इट टोल्ड फर्स्ट द मुनाफिकीन ठीक है पहले उसने बात शुरू की और मुनाफिन में फैलाई भाई ये क्या हो रहा है ये कैसे हो रहा है तुमने देखा भाई ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और बात शुरू कर दी ठीक है अब रूमर्स फैलने लगे अच्छा अब सफवान के भी बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया ना लेकिन आ, आपको बताती हूँ कि सफवान बिन मुत्तल एक तो गैर शादीशुदा था बहुत नोबल फैमिली से था बहुत ही उम्दा इंसान था और बहुत ही नेक इंसान था और सब उसकी नेकी का दावा कर सकते थे तो ही वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली अ वेरी एलिजिबल बैचलर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बींग गुड मुस्लिम ठीक है एंड लेटर ऑन सफान जो थे उनकी अम्म um, आई थिंक उमर रदी के जमाने में आ, उनकी शहादत हुई है आर्मेनियन बैटल में बैटल ऑफ आर्मेनिया जब हुआ था ना जब उन्होंने आर्मीनिया फतेह करने की कोशिश की थी उमर रदियाों ने उनके ज़माने में सफवान बिन मअल की उसमें शहीद हुए थे वो तो अल्लाह ने उनको शहादत भी दी तो ही वॉज अ वेरी गुड मुस्लिम अ गुड मोमन एंड अ गुड पर्सन अब आयशा रदिया कहती हैं जब हम वापस पहुंचे मदीना अब ये लोग पहुंच गए मदीना ठीक है ना पहुंच गए मदीना क्योंकि वो जा मिली उधर जब वो क्राउड में जाके मिल गई पहुंच गई तो सफवान ने क्वाइटली जाके उनके हौदज के पास उनके ऊंट को बिठाया और वो वहां से उतर के अपने हौदज में बैठ गई ठीक है और फिर उन लोगों ने हौदज उठा के रखा अब ये मदीने के अंदर चले गए अब जब ये मदीने में चले गए तो वो कहती है कि जब हम घर पहुंचे तो मैं बहुत बीमार हो गई शायद विद ऑल यू नो एक्सपेडिशन और आबो हवा और जो भी आदमी की सफर की उस जमाने का सफर आप सोच लें रेत में रातों को इस कैंप में रहना या जो भी तो कहने लगी कि मैं मुझे बुखार हो गया और मैं बहुत बीमार थी और मैं बहुत ही कमजोर हो गई थी और मैं बीमार होके मैं बुखार में पड़ी रही ठीक है अब क्योंकि मैं बुखार में पड़ी रही और तकरीबन एक महीने तक मैं बीमार रही तो ऑब्वियसली नॉट द फुल मंथ लेकिन ऑब्वियसली आप देखें ना अगर आपको फ्लू हो जाता है और आपको दस पंद्रह दिन फ्लू चलता है तो उसको रिकवर होते हुए दस पंद्रह मिनट पंद्रह दिन लग जाते हैं क्योंकि आप ठीक होते हैं लेकिन फिर भी कमजोरी है जॉइंट्स पेन है फलाए ढिमका है तो लग जाता है टाइम तो कह रही मैं बहुत ज्यादा बुखार में थी बहुत दिन बुखार में रही तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं रिकवर हो रही थी तो मैं ज्यादा कहीं जा भी नहीं रही थी बाहर किसी से मिलने और ना ही लोग मेरे पास मिलने आ रहे थे मेरे बुखार की वजह से क्योंकि होता ना जब आपको पता है कि आपको बुखार है तो लोग भी नहीं फिर आपको आते मिलने क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हैं या आप सो रहे हैं और या आपका बुखार हमें लग ही जाए तो अम्म मुझे कुछ नहीं पता था मैं बड़ी कट ऑफ हो गई थी पूरे मदीना के सोशल सर्कल से क्योंकि ये भी बता दूं कि आयशा वाज़ अ वेरी सोशल गर्ल बिकॉज़ शी वाज़ यंग गर्ल एंड शी वाज़ अ डिफरेंट गर्ल सो शी वाज़ अ वेरी सोशल पर्सन तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अतराफ क्या रूमर्स चल रहे हैं और एक अफवाह फैलती जा रही थी और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और क्योंकि मैं अंदर बंद थी अपनी बुखार और बीमारी की वजह से उस एक महीने में ये अफवाहें इतनी फैली कि राख से लेकर बढ़ बढ़कर ही बन गई ठीक है तो वो बता रही हैं कि इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई लेकिन एक आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट कराना चाहूंगी इसको गौर से सुन लें प्लीज आदाब देखिए उनका जो ये स्टोरी नरेट भी कर रहे हैं पूरी स्टोरी में पूरी सीरा में कोई भी किताब उठा के देख ले पूरी हदीसों में कोई ये नहीं बताएगा कि अफवाह क्या थी ये अदब है डोंट मैंशन व्हाट यू डिट सी अफवाह थी उस जमाने में जिसने कही कही जिसने फैलाई फैलाई लेकिन जब हिस्टोरियंस ने लिखा है उन्होंने अफवाह के बारे में नहीं लिखा कि वो अफवाह थी क्या इट्स क्वाइट अंडरस्टूड फॉर ऑल ऑफ अस नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट बी दी अफवाह अगर आप देखेंगे एक यंग आदमी के साथ एक यंग लड़की यू you नो know, रात को नहीं थी अवेलेबल और फिर सुबह पहुंची है वट काइंड अफवाह कैन दैट बी वी नो बट इट्स नॉट मैं ये अदब है कभी ना मैंशन करो किसी के भी बारे में दिस इज वॉट अदब टीचेज yeah. सिर्फ आप यही सुनेंगे मुझसे कि जो अफवाह थी और वो अफवाह फैला रहा था और उसने अफवाह शुरू की थी मैं अफवाह 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 बोलती रहूंगी रूमज 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 वॉट वॉज द रूमर नो नोबडी इज रिपोर्टिंग दैट ऑनर दैट ठीक है ख्याल रहे आई? तो आई एम नॉटिंग यू वॉट वॉज दफवा फैली किसने फैलाई चांस ले रहा था इनमें झगड़ा ही हो जाए नहीं हुआ वो ये तो बहुत बड़ा एमिनेशन उसके हाथ आ गया क्या आयशा उनको नजर आ गई सफवान बिन मअल जैसे आदमी के साथ यू नो एक यंग आदमी हैंदमी के साथ उनको नजर आ गई तो चलो ये तो फिर बहुत ही यू नो जूसी खबर हो गई उसके लिए तो ही टुक द एडवांटेज ऑफ इट एंड स्टार्ट इट स्प्रेडिंग द रूमा एंड द रूमा ग्रू बिगर एंड बिगर ओके नो बडी एवर मैंउट द रूमा टू आई शाराना वो कह रही मैं बीमार थी क्योंकि मेरे पास कोई आया नहीं मिलने इसीलिए मुझे कोई खबर नहीं आई कि और क्या चल रहा है टाउन में बिकॉज शी वॉज द सोशल टाइप एंड शी वु फाइंड आउट

आई वॉन्ट टू टेल यू आज कल जब हमको कोई रूमर्स मिलते हैं ना पूरी डिटेल मिल जाती है ग्रॉस डिटेल्स द स्टोरी स्टार्ट लाइक द रूमर इज द मैन वेंट इन टू द रूम ऑफ सो एंड सो एंड दिस दिस

Of spreading rumors, there is punishment in, in the sharia. Okay, let's get back to the story. Abdullah bin Ubay to talash mein tha badla ke Nabi. SA. Insulting his wife or humiliating, making stories about his wife is like insulting Nabi SA. It's like dishonoring Nabi salam. इससे बड़ा प्लेजर उसको क्या मिल सकता था देखें इसीलिए इन इन शरिया से बीवी इनशरियाहर की इज्जत है जो उस आदमी की बीवी को जलील करता है वो उस आदमी को भी जलील करता है ठीक है तो इस वजह से अब्दुल्ला बिन उबई जो जलालत पे उतर आया और उसने जलील किया नबी सल्लम की बीवी को उमा हाथल मोमिन में आयशा रहा को वो डायरेक्टली नबी सल्लम को जलील करना चाह रहा था क्योंकि किसका सर झुकेगा किसको दुख होगा किसको तकलीफ पहुंचेगी ट्रॉमा से कौन गुजर रहा था सिर्फ आयशा थोड़ी गुजरेंगी रसूल पे कितना ट्रामा होगा इज द लीडर ऑफ द उमा और इतनी बड़ी बात हो रही है कि कोई उफा उठी है उनकी उनकी बीवी के लिए ठीक है और आयशा को कुछ खबर नहीं अब वो कहती हैं कि मैंने नोट किया अब वो आयशा को लाड़ की बहुत आदत थी तो वो बहुत लाड़ करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाती थी जब उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो है उनके हुजरे में उनके कमरे में लेकिन आके सिर्फ ये पूछ के चले जाते हैं तबीयत कैसी है ठीक है वो कहती है, हाँ मैं बेहतर हो रही हूँ अलहमदुल्ला वो चले जाते पहले की तरह उनको करीब आके नहीं पूछते थे और लाड़ नहीं कर रहे थे तो उनको कुछ फर्क लगा उनको लगा कोल्ड है एटीट्यूड बदल गया है नबी सरम का क्या बात है वट्स वरिंग हिम सर इज समथिंग बट शी पिन पॉइंट वॉट इट इज सोचती होंगी कि हो सकता है कोई बाहर यू नो कोई पॉलिटिकल परेशानी है या बाहर कुछ जो कुछ भी है नबी सर के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां थी तो उन्होंने उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया पर महसूस किया कि ही इज नॉट द सेम ही इज नॉट वार्म विथ मी इज कोल्ड विथ मी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं तबियत पूछते हैं लेकिन कुछ और बात नहीं करते और मेरी तरफ देखते भी नहीं है पहले की तरह पहले मुझे इतने प्यार से देख के पूछा करते थे अब मुझे देखते नहीं है सिर्फ पूछ के चले जाते हैं तो शी मैं दैट ऑल्सो डिफरेंस एज वेल कि वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे ठीक है एक आदमी के दिल में देखे जब अफवाह इतनी बढ़ रही है और उस आदमी के दिल में कोई मैल आ जाए तो उसको ध्यान कितना आएगा इन चीजों का तो कैसे देखेगा और वो कन्फ्रंट इसलिए नहीं करना चाह रहे थे आयशा को क्योंकि वो बीमार थी लुक एट हिज लुक एट हिज द ब्यूटिफुल रहमदिल नेचर उनको ये था ये ठीक हो जाएगी तो इससे पूछूंगा लेकिन इस वक्त ऑलरेडी शी सो सिक आई डोंट टू कंफ्रंट हा बिकॉज शी इज गोइंग टू बी मोर्सिक क्योंकि फिर मुझे कुछ फैसला करना है कि आयशा के साथ क्या करना है मुझे ठीक है ना इनकेस द रूम इज राइट तो फिर मैं क्या करूंगा तो अभी नहीं है टाइम पूछने का बट आई जस्ट कीप अवे फ्रॉम सो ही केप्ट अवे फ्रॉम ह सुबह जाके सिर्फ तबियत पूछ के हट जाते थे और वो उनके पास ज्यादा नहीं जाते थे और ज्यादा बात नहीं करते थे और उनकी तरफ ज्यादा देखते भी नहीं थे ठीक है uh, ओके okay. अब इस बात से आपको एक पॉइंट फिक्की और बताना चाहती हूँ अगेन एंड अगेन मैं आपको सीरा में ये बताती रहूंगी कि जैसा हमने अक्सर ग्रुप से और लोगों से सुना रसूल सलम जो हैं उनको गैब का इल्म था रसूल को गैब का इल्म अगर होता तो आपको पता है कि उनको ये पता हो जाता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है या ये सही है या गलत है अगर रसूल को ही पता होता तो फिर क्या बात थी फिर रसूल रसोल क्यों वेट करते कि पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था ये उफवा सही है कि नहीं है और मैं इससे कैसे चेक करूँ इसकी तो तबीयत खराब है ये ठीक हो जाए तो मैं चेक करूंगा वो तो फिर ये उनको ये कहना चाहिए था कि मुझे तो पता है मुझे गैब से पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है लेकिन उनको कुछ नहीं पता था ठीक है अभी अब वो क्या करते हैं कि नबी नबीसलम वेट करते हैं और वो उनसे कुछ नहीं पूछते ठीक है एक दिन आयशा रहदियलाना कहती हैं कि आ, मेरी आ, मेरी एक आ, आंटी है मेरी रिश्तेदार है ठीक है वो मेरे पास आई मुझे देखने क्योंकि आयशा बीमार थी ना तो अब इतने दिनों से तो कोई उनके पास नहीं आया था अब ये आई उन्हें देखने आ, कहती हैं कि हम रोज़ रोज़ तो रिलीव करने नहीं जाया करते थे क्योंकि हम खाते ही इतना कम थे कि हमें कभी कभी रिलीव करने की ज़रूरत पड़ती थी एंड uh, uh, बहुत प्राइड प्राइड से बताती हैं आयशा अपनी स्टोरी में कि हम अरब थे मतलब वो उस पर फ़ख्र बताती हैं हम अरब थे तो हम टॉयलेट्स अपने घरों के अंदर नहीं बनाया करते थे उनको इस बात पे भी फ़ख्र था कि हम टॉयलेट्स अपने घरों में नहीं बनाते थे क्योंकि हम अरब थे इसलिए क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि यहूदी लोगों की रिहाइशें जो थी वो मॉडर्न थी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी और उनकी ख़वातीन जो थी वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज उनके किले के अंदर हुआ करती थी ठीक है तो ये ख़वातीन बाहर जाके करती थी तो ये उस पर भी मतलब वो अपनी तरह से अपने आप को बेहतर समझ रही हैं ठीक है अगर आप वो देखें ना इन डिकेड्स सब चेंज हो गया था एक्चुअली इवन दिन इन द इस्लामिक कल्चर अगर आप देखें सब कुछ विद इन डिकेड्स यानी कुछ 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 तीस um, चालीस सालों में सब कुछ बदल गया था ठीक है और आप नोट करेंगे कि शी सेज दैट वी वेंट टू रिलीव आर एंड वेरी फ्यू डेज वी एट लेस वी वी वर अरब्स एंड डिन थिंक ऑफ हैविंग टॉयलेट्स इन द होम्स ठीक है I don't know how to close this now. So where is it? One second. Okay. Now. This is a phone azan, so I'll continue, please, because I don't know how to close that now. Maybe I can just make it less. Nice. Yeah. Okay. Okay. Then क्योंकि देखें अरब कल्चर में uh, कोई सैनिटेशन और वाटर फ्लोइंग वाटर ये सब नहीं था तो कहाँ से वो टॉयलेट्स बनाते कैसे खारिज करते वो यू नो यू नीड अ प्रॉपर सैनिटेशन फॉर एनी टॉयलेट काइंड ऑफ थिंग्स फिर तो ऑफकोर्स बाद में रनिंग वाटर भी हो गया और सैनिटेशन भी हो गया टॉयलेट्स भी बन गए अब तो आपको पता हरम में भी टॉयलेट्स हैं तो यू अंडरस्टैंड द नीड्स चेंज द कल्चर चेंज एंड एवरी थिंग ओके बट उस जमाने में क्या होता था अब हम वापस वहाँ आते हैं कि ये औरतें जब सुबह को आपस में इकट्ठा होती थी पूछ लेती थी तुमको चलना है तुमको चलना है मैं भी जा रही हूँ ताकि दो चार औरतें साथ जाएं अकेली ना जाए क्योंकि इन्हें दूर जाना पड़ता था और उसमें ये होता था कि एक दूसरे को साथ भी होता था और एक दूसरे का कवर भी होता था ठीक है तो अ ग्रुप ऑफ विमेन वुड गो टुगेदर टू रिलीव टू अ स्पेसिफिक एरिया बाय द वे ये भी नहीं कि वो कहीं भी जाते थे ये नहीं कि हर जगह गंदी करते थे एक स्पेसिफिक एरिया था जहां पे वो अपने आप को रिलीव करते थे तो पीपल ऑल्सो न्यू कि खातन इस एरिया में जाती है रिलीव करने तो ऑब्वियसली दे वुड नो कि उस एरिया में वो लोग नहीं जाया करते थे ठीक है एंड अपीन नाइनटी ठीक है वो जगह थी उसके बाद उधर गोल्ड सूक बन गई है अब जहां पे अहवातीन रिलीफ किया करती थी ठीक है अब वहां पर गोल्ड सूक बन गई है और इट्स जस्ट नियर द पोस्ट ऑफिस इन मदीना आप मदीना की पोस्ट ऑफिस जाएंगी ना उसके पास जो गोल्ड सूक है ना दैट वाज द एरिया वेयर दे यूज्ड टू गो टू रिलीफ आप नोट करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से क्योंकि दैट्स वेयर हिज हाउस वाज वहां से लेकर उधर बहुत दूर है रास्ता पोस्ट ऑफिस इस प्रिटी फार अवे और वहां वो जाते थे रिलीफ करने ठीक है ऑफ कोर्स वो फैलते फैलते जब सिटी फैली तो उन्होंने उस जगह को सीरा पे वगैरह करके उधर गोल्ड सूप बना दी थी ओके okay. अच्छा अब ये गई अ लेडी बाय द नेम ऑफ उम्मे मिस्ता अच्छा, उम्म भी कुरेशी थी एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ शी वॉज द डॉटर ऑफ अब्दुल मुतलिब के बेटे की ही बेटी थी तो आई थिंकम ए बिन अब्दुल मुतलिब उनकी ए, उनकी ये बेटी थी ठीक है तो बेसिकली अब्दुल मुत्तलिब की पोती थी ले, लेट मी पुट, आ, नवासी थी ठीक है अः इनकी मदर अबू बकर रदिया अनु की आंटी थी उम्मी मिस्ताह की माँ और अबू बकर रदिया की माँ नहीं उम्मे मिस्ता की माँ खाला ऑफ़ अबू बकर तो अगर मिस्ता की माँ खाला तो ये उनकी कजन हुई ओके मिस्ता जो थी वो उनकी कजन हुई किन की अबू बकर की कजन हुई अच्छा ना ऑन द वे बैक अब ये रिलीफ करके वापस आ रहे हैं अपने घर उम्मे मिस्ता और आयशा आपस में मैंने आपको बता दिया इनका क्या रिश्ता है तो तो दे वेरी क्लोज बेसिकली के रिश्ता है क्लोज ठीक है यानी उनके साइड से ये आ रही हैं और उम्मे मिस्ता ट्रिप कर गई अपने जल, जलाबिया पे ट्रिप करके गिरी तो गिरते ही कहा क्या कहा उन्होंने एक्चुअली कहा अल्लाह करे मिस्ताह तबाह हो हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना भाड़ में जाए ये फला या जहनम में जाए तो उन्होंने इस तरह से बहुत गुस्से में कहा कि बिगाड़ा हो आ, मिस्ताह का तो आयशा ना हैरान हो गई उन्होंने उनको उठाया उनमें मिस्ताह को हाथ दिया और उठाया और उनसे कहा उम्मी मिस्ता ये क्या कह रही हो तुम अपने बेटे को कोस रही हो इज योर सन मिस्ता इज योर सन आर यू करसिंग योर सन वैन यू नो देट वी आर नॉट अलाउड टू करस आर चिल्ड्रेन तो शी इज क्वाइट सरप्राइज वो कह अल्लाह बिगाड़ा करे उसका अल्लाह तबाह करे उसे तो कह क्या कह रही हो आप योर कर सिंग योर ओन सन तो आल्सो आप एक बात याद रखें वो गिरी तो अचानक कर्स किधर अपने बेटे की तरफ निकली बट वज इट शो यू कि उसके जहन में कंटिन्यूसली ये बात घूम रही है कि मेरे बेटे ने मुझे इस बारे में कुछ बताया है उसने ऐसी ऐसी बात कही है नबी सल्लम की वाइफ के लिए और वो भी आयशा के लिए क्योंकि वो रिश्तेदार है याद रखिए वो उनकी क्लोज रिश्तेदार है अबू बकर की बेटी है और अबू बकर इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्तौ कैसे वो बात कर रहा है अपनी रिश्तेदार के बारे में ये तो सोचे कि वो उसकी अपनी रिश्तेदार फैमिली है और ये भी आपको बता दूं कि मिस्ताह और उम्मे मिस्ताह वर वेरी पुअर फैमिली ठीक है तो अबू बकर सिद्दीक हो इन लोगों को जक़ात दिया करते थे ठीक है वो रिश्ते में बहन लगती थी तो उनको वो जक़ात दिया करते थे तो इनके पास जक़ात और सदका वो कंटिन्यूसली दिया करते थे ताकि इनका घर चलता रहे तो अब उनको ये भी था कि मैं इनसे यू नो इनकी मदद भी लेती हूं जो भी है वो जक़ात दे रहे हैं सदका दे रहे हैं मतलब मुझे उन दे रहे हैं औरों को भी दे सकते हैं तो मेरा ख्याल रख रहे हैं हम लोगों को खिला रहे पिला रहे हैं और हम उन्हीं की बेटी के ऊपर यू नो अगर कोई उफवा निकली भी है तो हम तो अपना मुंह बंद करें ना हम तो नहीं उसमें साथ दें मिस्तान ऐसी बात मुझे बताइए मुझे उस वक्त से तो उनके मुंह से एकदम से निकल गया बर्बाद करे अल्लाह मिस्ताह को तो वो हैरान हो गई कि आप क्या कह रही हैं आप किसका मतलब जहन में कुछ था मुझे बताइए कि क्या हो रहा है आपने अपने बेटे को क्यों कहा स्पेशली आपको पता है मिस्ताह बदरी है और मैंने आपको ये बात बताया है कि बदरी का मकाम ही अलग है जिसने बदर में हिस्सा ले लिया तो वो और हैरान होती है आयशा और कहती है ही समवन हु हैज बीन इन द बैटल ऑफ बदर वो बदरी है और आप उसको इत, इतनी बड़ी बात कह रही है आपको उसकी पोजीशन और स्टेटस नहीं पता हर बदरी का स्टेटस आपको नहीं पता तो उम्मे मुस्ता उम्मे मिस्ताह समझती हैं कि आयशा को सब पता है या अब तक पता होगा इतना रूमर चल रहा है पिछले एक महीने से एक महीना हो गया हम सब सुन रहे हैं तो, इस तो इसको तो पता ही होगा क्योंकि ये भी बहुत शार्प है लोगों में बातचीत करने में तो इसको पता होगा उसे नहीं पता कि आयशा को कुछ नहीं पता था और वो आज ही निकली थी इनके साथ और वो आज ये बात सुन रही थी तो उसने कहा कि क्या तुम जानती नहीं हो क्या हो रहा है क्या बातें हो रही है पूरे शहर में ये बात हो रही है तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता मिस्ताह क्या बता रहा है बता रहा है वो आके बता रहा है कि उफवा क्या फैली हुई है तो वो कहती है अगेन के उफवा कैसी उफवा किस बात की उफवा ये आयशा पूछ रही है तो उम्मे मिस्ताह कहती है इफ्क इफ्क कहते हैं सिलेंडर को ठीक है कहती है इफ्क तो शी सेस शी कैन नॉट बिलीव शी कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हाउ एनी बडी कैन टॉक अबाउट इफ हा, तो अब वो परेशान होती हैं आयशा उमे मिस्ता को तो उठाती हैं एंड दे बोथ वॉक होम ठीक है उमे मिस्ता अपने घर जाती हैं ये अपने घर जाती हैं अब वो अपने घर जाके कहती है आयशा रदी बताती हैं कि मैं और बीमार फील करती हूँ आप और मैं भी ऐसी फील करेंगे ना जब आपका दिल दुखेगा तो आपका जब माइंड एंड हार्ट इज हर्ट योर फिजिकल सेल्फ विल बी टोटली इन बेड यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन तो कहती हैं कि मुझे लगा मैं और बीमार पड़ गई हूँ पहले से भी ज्यादा बीमार पड़ गई हूँ स्ट्रेस और एंगजाइटी ने मुझे घेर लिया एंड आई वॉज इन ट्रामा सबसे बड़ा ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा है दिस मी एक खातून ने कोर्ट में कहा कि मेरा हस्बैंड मुझ पे मुझ टॉर्चर करता है तो हस्बैंड ने आके उसको घर में बहुत डांटा और कहा कि तुमने झूठ बोला है मैंने तुमको कभी टॉर्चर नहीं किया और कभी मैंने तुम पे एक उंगली भी उठाई एक हाथ भी उठाया कोई उस आदमी को जाके बताए उंगली और हाथ उठाना सिर्फ टॉर्चर नहीं होता है द मेंटल टॉर्चर ऑफ टेलिंग हर ऑल द टाइम दैट ही इज गोइंग टू लीव हर ही इज गोइंग टू डू दिस टू हर दैट टू हर ही विल नॉट लेट हर मीट द चिल्ड्रन और ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर अ फार मोर ट्रॉमेटिक टॉर्चर देन हिटिंग समबडी ठीक है तो यहां यही चीज को सामने वापस ला रही हूं आपके और बता रही हूं कि शी बिकेम केम मोर सिक कैन एवर बिफोर और वो खुद कहती हैं कि मैं कभी इतनी बीमार नहीं पड़ी थी क्योंकि एक तो मैं यू नो एक महीने से मैं बीमार थी फिजिकली अब मुझे मेंटल एंजाइटी स्ट्रेस और ट्रॉमा हो गया था और उसकी बिना पर मैं फिजिकली इमोशनली पूरी ही पूरी बीमार हो गई और न, मैंने फिर नोटिस करना शुरू कर दिया कि इस वजह से वसल्लम मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं अब उसको समझ में आ रहा है कि पीछे क्या हो रहा है कहती जब मैं घर गई और मैं बीमार हूं मैं लेटी हूं मैंने नोट किया कि नबी से सर आते हैं सिर्फ मुझे सलाम करते हैं तबियत पूछते हैं मेरी तरफ देख के भी नहीं तबीयत पूछते पूछ के चले जाते हैं एंड ही इज वेरी कोल्ड ही इज नॉट वार्म ही इज नॉट टॉकिंग टू मी टॉक टू मी जस्ट आस्क इंक्वायर्स एंड गोज ठीक है कहने लगी अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि इनका रवैया ऐसा क्यों बदला ये मेरे साथ इतने कोल्ड क्यों हो गए और आखिर बात है है क्या मैं कैसे पता करूं बेहतर पेरेंट्स तो वो कहती है मैंने डिसाइड किया कि अगर इतनी बात फैली है कि मिस्ताह बता रही है कि इतनी बात फैली है तो मेरे पेरेंट्स को पता होगा बेहतर है कि मैं अपने घर जाऊं और अपने पेरेंट्स से पूछूं कि एग्जैक्टली exactly बात है क्या उफवा क्या है किसने फैलाई है क्या हो रहा है मैं खबर लूं इसीलिए मैं बेहतर है कि परमिशन ले कि अपने मैके चली जाती हूँ तो रसोल सरम जब सुबह को इनसे इनकी तबीयत पूछने आते हैं तो ये उनसे इजाजत लेती हैं कि अगर आप मुझे इजाजत दें मैं कुछ अरसा अपने घर रह कर आऊँ अपने पेरेंट्स के पास रसोल सम खुशी से इजाजत दे देते हैं कि जाओ ठीक है <clears throat> अच्छा इससे फिक्र रूल निकलता है कि इवन टू गो टू योर पेरेंट्स हाउस यू कान गो विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर हस्बेंड ठीक है ठीक है अब वाई शी इज गोइंग टू हर पेरेंट्स हाउस टू वेरीफाई द न्यूज यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके एंड शी कु ओनली ट्रस्ट हर पेरेंट्स इन दीज सर्कमस्टेंसेस ओके एंड दिस इज गॉट अनदर फिकी इशू where you have to verify the news before exploding, लड़ने से पहले अटैक करने से पहले बातें करने से पहले कन्फ्रंट करने से पहले वेरीफाई करो हर न्यूज को जब ये सुनती हैं कि कुछ अफवाह है ये भी बेवकूफ नहीं है समझ जाती हैं कि किस किस्म की अफवाह होगी इतनी अफवाह के वो नवीसा सरम उनको देख भी नहीं रहे बात भी नहीं ठीक से कर रहे तो बेहतर ये कि मैं इस अफवाह की जड़ तक पहुंचूं और वेरीफाई करूं कि क्या ऐसी बात हुई है और किसने की है और अब इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा ठीक है तो आ, वो उनकी अच्छा अब अब उनकी अम्मी कौन है आयशा रदी की उम्मे रुमान ठीक है अ उनके पास वो जाती हैं और कहती हैं कि मैं आई हूं वो कहती हैं कैसे आना हुआ आपका कहती हैं कि मैं आई हूँ क्योंकि मुझे इस अफवाह के बारे में पता करना मैंने सुना है अफवाह उड़ी हुई है किस बात की अफवाह तो उम्मे रोमान जवाब नहीं देती हैं और कहती हैं जो भी अफवाह है तुम इसकी फिक्र नहीं करो तुम अपने आप को परेशान मत करो अपने आप को काम डाउन रखो वल्ला कोई और हस्बैंड अपनी वाइफ को आज मदीना में इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें करता है तो तुम घबराओ नहीं जाओ जाके कमरे में आराम करो ठीक है अम्म फिर वो ये भी कहती उम्र के हाँ के कोई हस्बैंड नहीं है इस पूरे मदीना में जो अपनी बीवी को इतना प्यार करता हो जितना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें करता है एक्सेप्ट के लोग बातें बना रहे हैं अब

पॉइंट का फायदा उठाएगा हमेशा ठीक है अब उम्मे रहमान उम्मे रुमान तो उनको कहती है काम डाउन हो जाओ ओके और देखो तुम काम डाउन नहीं होगी तो तुम मौका दे रही हो अपनी को वाइफ्स को अपनी सौतनों को तुम्हारे ऊपर और बात बनाने का तो अब चुप करके जाकर तुम और इस बारे इसको ना उखाड़ो ज्यादा पता लगाने की कोशिश ना करो हाँ कोई अफवाह है अगेन क्या अफवाह है नहीं पता अफवाह है तुम्हारे बारे में पर देखो तुम्हारी जो सौतने हैं वो भी इस वक्त कंफ्यूज हैं क्योंकि नहीं पता कि क्या हो रहा है और किसी ने अब तक कुछ नहीं कहा है इसलिए उनको मौका भी मत दो तुम इस मामले में खामोश रहो और जाओ जाके आराम करो ठीक है अः आ... आ... रोमान के इस जवाब से आयशा को क्या सम, समझ आ गया आयशा रदेराना को यह समझ आ गया कि दैट मीनस द न्यूज ऑफ अफवाह इज वेरीफाई हो गया ठीक है उनको ये वेरीफाई हो गया कि उम्मे मिस्ताह ने जो कहा कि अफवाह उड़ी हुई है और मिस्ताह ने ऐसे ऐसे कह दिया है इसका मतलब ये सब सच है अफवाह उड़ रही है और सब लोग बातें बना रहे हैं मेरे बारे में ठीक है और सुफान अल्लाह आयशा कहती हैं, यही कहती हैं सुफहान अल्लाह मैं उस रात रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि पूरी रात ही मैं रोती रही हत्ता के सुबह हो गई और मेरा रोना नहीं रुक रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मैं इतना रोई इतना रोई और इतना रोई और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है सोचिए रसूल अल्लाह अलहसलम की बीवी और चहीती वाली वाली बीवियों में से बीवी ठीक है और रसूल अल्लाह के घर में यानी उनके उनके घर पे बात हो रही है ये या, यानी गौसे पुराई जा रही है उनकी फैमिली के बारे में ये मेरा मतलब है कहने का ठीक है अः और ये कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ही हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है नबी की बीवी कीचड़ उछाली जा रही है यानी इज इन दैट टू मच ओके सो शी इज वेरी सरप्राइज एंड शी इज नॉट एबल टू गेट ओवर इट एंड शी इज क्राइंग अल्लाह ताला कुरान में बताता है कि जो इन चार्ज था इस फितने को स्टार्ट करने वाला वो अब्दुल्ला बिन उबई था ठीक है एंड एंड उसके कुछ फॉलोअर्स क्योंकि याद रखें अब्दुल्ला बिन ओबई जो था वो खजरज के कबीले का सरदार था कई बार मैंने आपको बताया कबीला खजरज एक कबीला है औस है औस के जितने सरदारान थे वो न, आ, पिछली जंगों में जो इनकी ट्राइबल वॉर्स हुई थी ना बुआत की जंगों में वो उसमें काफी मारे गए थे तो औस में ज्यादातर यंग लड़के थे <coughs> और खजरज में अब्दुल्ला बिन उबई वाज़ द लीडर लेकिन याद रखें कि जब अब्दुल्ला बिन उबई कुछ कहता था तो उनके जो हजरजी फॉलोअर्स थे नॉट एवरीबडी बट जो उसको मानते थे जो उसको फॉलो करते थे उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ायाब्दुल्ला बिन उबई वाज़ द वन हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस अफवाह और फिर ये अफवाह फैलती गई फैलती गई फैलती गई और उनके कुछ खजरजी थे जिन्होंने ये फैलाई और तीन सहाबा थे जो इनके साथ जिन्होंने गॉसिप की ठीक है दिस इज द लिटिल बिट ऑफ अ सेंसिटिविटी एंड प्रॉब्लम कम्स आई ट्राई टू बी एज उसने uh, अदायगी के साथ आपको बताऊंगी इनशाला तीन सहाबा थे जो इस गॉसिप में फंस गए थे जिन्होंने भी गॉसिप की थी तो एक तो अफकोर्स मैंने आपको बता दिया मिस्ता था जो उम्म मिस्ता यानी वो खुद उनका कजन था आयशा का दूसरे हसन बिन साबित हु वाज अ पोएट एंड अ सहाबी एंड रसूल सलम यूज टू लाइक हिम हसन बिन साबित ठीक है और तीसरी थी हमाना बिन जहश जैनब बिन तजहाश की बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ की बहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी पपीजात बहन ठीक है वो भी गॉसिप में थी ओके अच्छा आ, ये तीन जो थे वो नॉन मुनाफ़िन थे जिन्होंने गॉसिप को बढ़ाया या कहा जो भी ठीक है एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई मीन अबाउट इट ठीक है अब सिर्फ थोड़ा सा ये बताती हूँ दे वर नॉट द वंस हु इन्वेंटेड द अफवाह उन्होंने अफवाह बनाई नहीं और उन्होंने नहीं पहली बार कही ये बात लेकिन अफवाह सुन के आगे सुनाने का इनके ऊपर इल्जाम है कि जब हमना जहश खीन में गई उन्होंने कहा तुमने सुना आयशा के बारे में क्या अफवाहें फैल रही हैं ये बस इतना कहा था हसान बिन साबित ने कुछ आदमियों से कहा और मिस्ताह ने भी आके अपनी अम्मी से और अपने रिश्तेदारों से कहा कि देखो आयशा के बारे में क्या बातें बन रही हैं इतना ही कहा था ये तीन साहबाते जिन्होंने इतना कहा था ठीक है अब हमना बिनतेजहश आपको मैं बताना चाहती हूँ उनकी पुप्पी सफिया जो उनकी बहुत फेवरेट पुपी थी उनकी बेटी थी जैनब जिनसे नबीरम की शादी हुई है वो इस वक्त उनकी बीवी है और हम हमना बिनतेज हश रसूल सरम की फर्स्ट कजन भी हैं पुपीजाद बहन भी हैं और उनकी साली भी लगती हैं क्योंकि उनकी बहन उनके घर में भी आई हुई है अब आयशा खुद ये नरेट कर रही हैं कि नबी अलैहि वसल्लम की बीवियों में और बाकी खवातीन जो घर में थी क्योंकि बीवियों के अलावा लौरियाँ भी थीं उनकी बीवियों में और जो खवातीन घर में थी मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जैनब लगती थी एक तो वो ख़ूबसूरत थी दूसरा उसका दर्जा कुरैशी था तीसरा वो नबी वसलम की फर्स्ट कज़न थी तो वो उनकी फैमिली से थी और चौथा नबी वसलम उसको बहुत चाहते थे वो नबी सल्लम की फेवरेट वाइफ्स में से थी जैनब बिन तजहश उन उनको बहुत ज्यादा चाहते थे और फिर आपको मैंने अभी तक कवर uh, किया है कि नहीं अब मुझे तो याद भी नहीं है I'm just going so much deeper into the कि याद रखे नहीं अभी आई नॉट कम टू अदर डिटेल बट जैनब बिन तश इजन बाय सुबह नबीसम

और मेरी सबसे ज़्यादा जलिसी उनके साथ थी मैं आपको सारी उनकी स्टोरी उनकी ज़ुबानी सुना रही हूँ तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब ये स्टोरीज उनकी अपनी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा था कैसे कहा था क्या उनका रिस्पांस था ये सब ये बुखारी के मैं हदीस में से सुना रही हूँ और उनके वर्ड्स में आपको उसी तरह बताऊंगी जैसे उन्होंने बोले हैं तो आपको समझ आएगा कि कुछ गिरोह में क्यों इनको पसंद नहीं किया जाता एंड दैट्स ओके अकॉर्डिंग टू दैट्स ओके एज लॉन्ग एज दे डोंट स्पीक बैड अबाउट हर दे शुड नॉट दे कैन नॉट डिसग्रेस यू नो डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट हर बट जो है वो है क्योंकि हिस्ट्री में लिखा हुआ है उनके अपने लफ्जों के बयान है तो वी कान डिनाई दैट ठीक है ना अगर किसी और ने बताया होता तो और बात होती तो ये तो खुद अपनी कहानियां खुद सुना रही हैं, तो जो हुआ था वो हुआ था वाली बात है एंड दैट्स व्हाई सम पीपल द सहाबा है अब वी कम बैक टू आयशा रदी राना स्टोरी और वो उनकी जुबानी मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे अगर जलन थी तो जैनब से थी और मैं उससे बहुत जलती थी और इसलिए भी मैं जलती थी कि खदीजा से तो मैं बहुत जलती थी लेकिन वो अलग है क्योंकि मैंने उसको कभी देखा नहीं था और वो तो उसके लिए तो क्या कहा था आयशा ने कि तुम्हें तो वो बुड्ढी कुसत बग़ैर दांत वाली कबर के अंदर मुझसे ज्यादा अजीज़ है ये वर्ड्स उन्होंने हदीजा रत के लिए यूज कर लिए थे जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से कहा था उस जैसी कोई नहीं तो डोंट इवन ट्राई टू कम्पीट विथ हर शी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल और कहा उसने मुझ पर तब यकीन किया था जब किसी ने नहीं किया उसने मुझे तब यू you नो know, चाहा था जब लोग मुझे डाउट कर रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फॉर तो उनको उन्होंने पूरी तरह थो, थोड़ी तरह से नहीं पूरी तरह से डिफेंड भी किया और उनको स्टेटस हाई किया और कहा कि खदीजा की बहुत बड़ी जगह इवन जन्नत में आखिरत में है और वो औरतों की लीडर होंगी एंड सो एंड सो ये पूरी स्टोरी अच्छा आगे कम बैक टू जैनब तो वो कहती हैं कि मैं जैनब से बहुत ज्यादा जेलस थी सबसे ज्यादा आई यूज टू फाइंड हर कॉम्पिटेटिव विथ मी ठीक है और फिर कहती हैं कि अगर उनको मेरी जेलसी से किसी चीज ने या इस हमारी इस फ्रिक्शन से किसी चीज ने जैनब को मुझसे ऊपर रखा या बचाया या सेव किया या, या प्रोटेक्ट किया वॉज ह पायटी उनकी राइशियसनेस और उनकी पायर्टी दैट मीन्स उनकी नेकी क्योंकि अः जैनब रदीला इतनी पायस थी इतनी रायचस थी इतनी नेकोकार थी कि उनको उनकी नेकी ने बचाया मेरे मामले में अब वो अपने मामले को बता रही हैं कि किस तरह से जैनब रदीला को बचाया फिर वो कहती हैं और हमना फंस गई जैनब को उसकी नेकी ने उसको बचा लिया क्योंकि वो इतनी नेकोकार थी कि उसने मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं कही लेकिन हमना फंस गई ठीक है और आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया कि हमना बिनतेजहा जैनब बिनतेजहा सिस्टर एंड शी टू लव हर सिस्टर सो मच हमना वाज अवेयर कि इन दोनों के बीच में जो है कंपटीशन या जो भी थोड़ा सा टग ऑफ वॉर रहती है और आयशा इज़ अ वेरी जेलस पर्सन हमना को ये सब तो पता था पहले से कि आयशा इज़ समाइम्स क्रिएटिंग ट्रबल इन दाउस ऑफ रसोलम कभी अफ्सा के साथ कभी जैनब के साथ और ज़्यादातर जैनब के साथ तो उसको ये पता था तो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यू नो सी दिस इज़ द वाइफ जिसके साथ यू you नो know, कोई अफवाह चल रही है करके उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी थी हमना बिंतजहाश ने ठीक है मैं जितना संभाल के बता सकती हूँ बता रही हूँ एंड बट एवरी इन द हिस्ट्री ब्लैक एंड वाइट और योनी की कहानी उनकी ज़ुबानी सुना रही हूँ मैं आपको ठीक है सो so, um, तो वो कहती हैं कि हमना uh, फंस गई और वो अपनी बहन का साथ देना चाह रही थी कि देखो वो नेक है और देखो ये कैसी निकली जो ट्रबल करती रहती है हमेशा लेकिन वो इसी में फंस गई एंड शी सफर्ड बिकॉज ऑफ इट हमना बिकॉज़ ऑफ़ ऑफ़ दिस डीड स्पीकिंग अबाउट अबाउट और गॉसिपिंग द ठीक है इट्स यूनैनिमस इन द सीरा के अफवाह स्टार्ट हुई अब्दुल्ला बिन उबे से ऑल खजरजी जी नॉट बैड ठीक है तो सम पीपल हु फॉलोड अब्दुल्ला बिनूबई वो ख़ज़रजी थे जिन्होंने इस पर बात की और द ट्राइब ऑलवेज फॉलोज द लीडर एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइबलिज्म इन और आज तक है ट्राइबलिज्म फॉर दैट मैटर ओस के लीडर्स क्योंकि वॉर में मारे जा चुके थे बौध की जंगों में और इस वजह से ओस में कोई ऐसे लीडर नहीं बचे थे कि वो ये सब आ, आगे बढ़ाते ओके और आगे चलते हैं हम के आयशा अच्छा मैं इस इस छोटे से वाक्य के साथ मतलब अभी वाक्य हमारा आधे पे है जाहिर है आई विल कंप्लीट इट नेक्स्ट मंडे इन शह वेर एवर आई एम सो डोंट वरी आई एम बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्पलीट आयशा स्टोरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फिनिश दिस इज अ वेरी

अच्छा अब आयशा बताती हैं आगे चलते हैं आयशा रदीलाना बताती हैं कि नबी वसल्लम ने जब ये अफवाह उनके कानों तक पहुंची किन के कानों तक नबी के कानों तक नबी सल जैसे आयशा अपने अब अम्मी के घर गई पता करने के वाकई ऐसा हुआ था कि नहीं नबीसम ने क्या किया उन्होंने अपने घर के दो बंदे बुलाए जिन पर वो बहुत भरोसा कर सकते थे अब मैं आपको बताऊंगी नाम तो आपको समझ आएगा क्यों रसूल के बहुत ज्यादा भरोसेमंद कौन दो थे अली रदी रदान हो एंड उसामा बिन जैद अब क्यों हु अली वी ऑल नो नबी के वर्ड्स हैं कि अली मुझ में से और मैं अली में से हूं दैट वॉज हिज रिलेशनशिप विद अली अली को उन्होंने अपने घर में पाला और अली खदीजा ने पाला सोचिए आप अली को खदीजा के घर में वो पला है बंदा वो बंदा जिसको खदीजा और नबी वसल्लम ने मिल के पाला ठीक है एज अ चाइल्ड और उसको अपनी बहुत महबूब बेटी उन्होंने शादी करके दी और अली को अपने घर में ही हमेशा रखा क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला ठीक है इतना मोहब्बत इतना प्यार इतना उनके साथ और उसामा बिन जैद जैद कौन जैद वो जिसको उन्होंने बेटा बनाया था मुंह बोला बेटा उनका ठीक है जिसको पहले उन्होंने अपना नाम भी दिया था बाद में उन्होंने अपना नाम हटा दिया जब पता चला कि आप बाप के अलावा किसी और का नाम अपने साथ नहीं लगा सकते हैं तो जैद बिन मोहम्मद को वापस जैद बिन हारिसा कर दिया और जैद बिन हारिसा जो थे अः उनकी शादी फकोर्स uh, आपको पता है कि जैद बिन हारिसा की शादी तो जैनब बिन तहाज से हुई थी लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों की डिवोर्स हो गई थी क्योंकि जैद बिन हारिसा एक ग़ुलाम थे और जैनब बिन तजहा ने शादी सिर्फ रसूल सलम के कहने पर की थी लेकिन जब उन्हें लगा कि वो एक मोहसिना है एक कल्चर्ड वुमन है और उनका और इनका मेल नहीं हो रहा और यू नो देव फ्रिक्शन तो द मैरेज वॉज टर्मिनेटेड एंड वसल्लम मैरिड हर और इस तरह से आ, 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 आपकी ये आ, आप लोग बच्चों को जो वो करते हैं आ, आ, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं लेकिन आप बच्चों को अपना नाम नहीं दे सकते ठीक है इसकी फिर ये सारी रूलिंग आ गई तो जैद बिन हारिसा ओके नावजैद बिन आफ्टर अब ये सब मुझे इसलिए बताना जरूरी है आपको बैकग्राउंड ताकि आपको पता चले कि उसकी क्या अहमियत थी और क्यों नबीसलम ने इन दो को पिक किया अली रदी अनोखा तो सबको समझ में आ जाएगा एकदम से क्योंकि अली वॉज फ्रॉम नबी नबी वॉज फ्रॉम अली ओके वॉट अबाउट उमा बिन जैद क्योंकि उम्मे <coughs> उम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया थी देखिए एक तो होती है दाई जो हलीमा थी तो दाई थी हलीमा पर उम्मे उमन वॉज द केयर टेकर लाइक टुडे अ केयर टेकर लुकिंग आफ्टर हिम बिकॉज सी हलीमा देम उम्मे आयमन हिम फॉर थिंग दो पाला था और वो उनसे बहुत प्यार करती थी और नबीम भी उनको माँ की तरह देखते थे कि इन्होंने मुझे बचपन में बहुत प्यार से पाला है वो खुद भी यंग थी तब यंग लड़की थी बट बहुत प्यार से पाला था

उसामा बिन जैद, और जैद बिन हारिसा को एक लकब दे दिया गया था आ, उनको कहा जाता था हिब्बुन नबी नबी, यानी जैद बिन हार्बुल नबी नबी, और उनका बेटा इज हिब्बुन नबी नबी। ओके तो इस तरह से उसामा वो हु रसूल लव सो मच एज अ ग्रैंड सन कुछ किसी को कुछ मांगना भी होता था ना तो वो कहते थे उसामा से कहो कि जाके बोलकर आए या इजाजत लेकर आए ठीक है, है तो उसामा उस वक्त थर्टीन फोर्टीन इयर्स का था तेरह चौदह साल का था ठीक है एंड एज फॉर उमा ही वॉज फ्री टू मूव इन द फैमिली रसूल

As for Ali, ने पहले उसामा से पूछा कि तुमने क्योंकि तुम फ्रीली मेरे घर में अंदर आते जाते हो तुमने कुछ देखा ऐसा मेरी बीवियों में कोई ऐसी बात जो तुम रिपोर्ट करना चाहो मुझे बताना चाहो क्योंकि अब अफवाह जो है उनके दिमाग में चल रही है नबीम के तो वो पहले राय ले रहे हैं उसामा बिन जैद से बिकॉज उनको ये पता है कि उसामा बिन जैद पे वो भरोसा कर सकते हैं एक तो बाहर जाके किसी को नहीं बताएंगे कि उनकी क्या बात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरा वो सच ही बोलेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठीक है तो वो पूछते हैं उसामा बिन जैद से कि तुम लोग यहाँ वहाँ गए मेरे घर में मेरी बीवियों के पास तो तुमने कुछ देखा कुछ सुना कुछ तुम्हें बताना है इस बारे में तो उसामा बिन जैद जवाब देते हैं ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि मैं आपको रिपोर्ट कर सकूं सकू नबीम ने उनसे पूछ के फिर अली, अली रदिया की तरफ मुड़े और उनसे कहा कि ये अफवाह के बारे में तो तुमको पता है तुम इस बारे में कुछ तुम्हे लगता है कि तुम इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो मुझे तो आप जाके सेंटिव पार्ट शुरू होता है अली रदिया और आयशा के रिलेशनशिप पर नॉट गुड ऑब्वियसली ठीक है क्योंकि आयशा रजिया फातिमा अनहा से और अली अन्हों से बहुत जलती थी ठीक है वो इतना जलती थी कि वो मुसलसल उनके लिए कुछ न कुछ मुश्किल खड़ी करती थी फातिमा को अगर उठती थी पानी पीने तो उनका घड़ा तोड़ देती थी ताकि उनको मुश्किल हो और अली रदाना को बुरा लगता था क्योंकि उनकी बीवी के साथ ये हो रहा था एंड उनको पता था कि ये कर रही हैं इस तरह से एंड ही फील हर्ट एंड ही लीव मैटर ओनली बिकॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ प्रोफेसर एंड टू बट बर्दाश्त करते थे अब जब नबी अलैहि वसल्लम ये बात उनके सामने लेकर आ रहे हैं जो कुछ भी अली रदी अला ने कहा वो बिल्कुल सच था ठीक है तो ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी तरह उनके बारे में कुछ अगेंस्ट बोले उन्होंने सिर्फ इतना जवाब दिया जब अफवाह के बारे में पूछा गया कि आपका इस अफवाह के बारे में क्या राय है कुछ आपने सुना या आप कुछ जानते हैं तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि या वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और बीवियां लेने के लिए आप क्यों परेशान होते हैं आप और अच्छी बीवियां देख लें ट्रू वुमन गिविंग यू ट्रबल नाउ सो मचर है बिकॉज आपको तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना तो वाई डू वॉन्ट टू टेक दिस बर्डन ऑन योरसेल्फ तो कहते हैं कि अल्लाह हैज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड यू अपॉन वेमेन एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस कोई भी आपसे यू नो शादी करने के लिए तैयार होगी खुशकिस्मत होगी इज्जत करेगी और आपके आपको किसी ट्रबल में नहीं डालेगी तो अगर आपको चॉइस चाहिए तो आप दूसरी जगह से शादी कर लें क्योंकि रिमेंबर देर वॉज ऑलवेज टेंशन बिटवीन आयशा रदी एंड अली रदी और ये टेंशन ही बाद में एक जंग बन गई जब नबी सेम बीच में नहीं रहे तो ठीक है उस पर हम आएंगे इन और जंग जमल हुई और जो कुछ भी हुआ हम उस पर भी बात करेंगे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं लेकिन हम संभाल के बात करेंगे लेकिन जो है वो है जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है जो लिखा है ब्लैक एंड वाइट में वही आपको बताऊंगी कोई एक गिरोह की कोई वो नहीं है इसमें इसमें जो हिस्टोरियंस ने लिखा है जो हुआ है वो हुआ है उसको हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है और फिर अली रदी अलानों उन्होंने दो चीजें कही थी ये एक चीज हो गई कि आप क्यों इस परेशानी में पड़ रहे हैं कि हमने देखा कि नहीं देखा सुना के नहीं सुना ये ऐसा हुआ वाक्य कि नहीं हुआ इसपे क्यों आप इसमें इस डिटेल्स में, इस में आप क्यों जा रहे हैं आपके लिए क्या मुश्किल है आपके लिए चॉइस है आप कोई भी औरत और को देख के शादी कर लें एंड लिव पीसफुली। डू टू गेट टेंशन ऑफ़ दिस काइंड। और अगर फिर भी नाउ दिस इज द सेकेंड थिंग ही सेड और अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ या नहीं या ऐसा कोई ऐसी कोई बात है तो आप उसकी खादेमा को बुलाइए बरीरा और उसको पूछिए बिकॉज यू सी द सर्वेंट इज द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट मास्टर

वो आपको सबसे बेहतर जवाब दे सकेंगी तो आप बरीरा को बुला भेजें और उसको बोलें कि वो आपको बताए रसूल सलम बरीरा को बुला भेजते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई बरीरा तुम तुमको पता है कुछ इस बारे में तो वो कहती है कि एक तो वो डर रही होती है क्योंकि देखिए वो एक गुलाम थी आजाद हुई है अभी वो एम्प्लॉ है लेकिन वो डर रही है रसूल सलम उससे बात कर रहे हैं और उसको पूछ रहे तुशीज तो ऑन हॉट स्पॉट डरी हुई है घबराई हुई है तो वो कहती है कि या रसूल सलम Uh, मैंने कोई भी चीज आयशा में नहीं देखी एक्सेप्ट जब वो आटा गूंजती है ना वो गूंढते सो जाती है और आटा बकरी खा जाती है बस ये गुना है उसके ऊपर उसके अलावा मैंने उसको और कोई गुना करते नहीं देखा देखें ये बता रही है वो कि दिस इज वन फॉल्ट आई सी इन हर वन मिस्टेक आई सी इन हर वन कमिट्स इज दैट शी फॉल्स व्हाइल डूइंग हर डोइंग और वो सो जाती है और वो बकरी उस आटे को खा जाती है यही उसका कसूर है ठीक है तो ये स्टोरी इज अबाउट व्हाट द बरी व्हाट द द स्लेव बरीरा और द एम्प्लॉय बरीरा हैड टू रिपोर्ट ठीक है और उसने कहा कि मैंने और कोई चीज आयशा में ऐसी नहीं देखी एक्सेप्ट कि वो ये करती रहती है बस वो आटा गूंते गूंढते हर बार सो जाती है और बकरी वो आटा खा जाती है बस <clears throat> इससे फिक का एक छोटा सा पॉइंट निकलता है कि यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम हु लव यू हु यू कैन ट्रस्ट ओके सो इन दिस सीनैरियो रसूल ट्रस्टेड ओनली उमान अली बाद में अली की रेकमेंडेशन से उनकी एडवाइस जब ली और उसने कहा कि बरीरा से पूछ लो तब उन्होंने बरीरा से पूछा उन्होंने फिर उसकी एडवाइस भी ली जिससे जिससे जिसको ट्रस्ट करके उनको कंसल्ट किया उनकी फिर एडवाइस भी ली ठीक है तो यहां तक हम कंक्लूड करेंगे आज का और आगे मैं नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी जहाँ भी हूँ इसी तरह से वी विल डू आर जूम मीट इन शाह एंड आई आई ट्राई टू सी हाउ मच वी कैन डू दैट अगर हो तो गया दो दो तो दूसरे हिस्से में तो अच्छा हो जाएगा कि हमारी आयशार दीराना की स्टोरी कम्प्लीट हो जाएगी क्योंकि दो हिस्से तो लगने ही थे क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी मैनी डिटेल आद है एंड टू बी केयरफुल अबाउट इट बिकॉज देर आर मैनी थिंग आर आई ब्रोज विल बी रेज बट इट्स Sometimes, basically, it's okay to like somebody or not like somebody, but as long as we don't speak bad about them, that's fine. And just mention what's in the history. Don't speak anything from your own side. So, if I tell you that was jealous, or said such words, I will tell you what did. Whatever it is, it is it is, is. And that's the reason why some, some confusion is there. अमंग सम ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है जो उनको अब्यूज करता हो वो एक हैंडफुल ऑफ लोग हैं जो um, करते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन इट इज देर राइट नॉट टू लाइक सम बडी बिकॉज जो उनको फील होता है कि रसोरस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स तो वो अलग बात है ठीक है यहाँ तक हमने पहला हिस्सा कर लिया है आयशा रदी की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे एंड आई एम शोर यूर गोइंग टू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इन और आप लोगों को सही से सारा किस्सा समझ में आएगा उसकी फिकी छोटी छोटी बातें बीच बीच में भी बताती रहूंगी और कोशिश करूंगी अगर टाइम मिला तो एंड में भी उसको कंपाइल कर लूंगी ताकि आप लोगों को मैं पूरा लाइन से बता दूँ कि हमने इससे क्या क्या सीखा इन शह अल्लाह तोफीक दे मुझे भी और आपको भी और कबूल करे आप सबका जुड़ना इस क्लास में और मेरा आपके लिए क्लास में सारा सबक बना के लाना और अल्लाह ताला हम सबको इसके लिए बेहतरीन अजर अदा करे दुनिया में भी और आखिरत में भी और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह त हमें बेहतरीन अमल की तोफ़ी अता करे व आखिर उदावन سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير